23 जून की रात चौकीदार शब्बीर अहमद की हत्या में शामिल छठे व मुख्य आरोपी दोमुहानी गांव के राजेश उर्फ रिजवान अंसारी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। लगातार छापेमारी के बाद भी हाथ नहीं आने के कारण पुलिस ने अदालत से वारंट की मांग की है। बताते चले कि अज्ञात अपराधियों ने 23 जून की रात मुफस्सिल थाना के चौकीदार धनवारी गांव निवासी शब्बीर अहमद की चाकू मारकर हत्या कर दी थी और उसके आल्टो कार को 50 किलोमीटर दूर जामा थाना अंतर्गत बरमसिया के जंगल में जला दिया था। यह हत्या वर्चस्व की लड़ाई को लेकर हुई थी। इस हत्याकांड में 3 हिंदू एवं 3 मुस्लिम युवक शामिल थे। हत्याकांड के 1 सप्ताह बाद 4 अपराधियों को पुलिस ने चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया था, जबकि एक अन्य आरोपी ने न्यायालय में सरेंडर कर दिया, परंतु हत्याकांड का मुख्य आरोपी रिजवान अंसारी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। तो बड़ा ग्रुप था और पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और कार्रवाई के अंतर्गत मुफस्सिल थाना के अंतर्गत जो है कि टीम जो बनी थी उसके द्वारा 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया, उसमें से 1 बंदा सरेंडर भी किया और आगे 1 जो बचा हुआ है उस पर कार्रवाई जल्दी जो है की गिरफ्तारी। सर, कई थानों की स्थिति खराब है, ऐसी स्थिति में विभाग की ओर से किस तरह के दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।